माता जी के प्रसाद के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए आप मखाना और मूंगफली को भी इसका पाक बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाता है, 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने ये चीनी ले ली है, ये मैंने 5 स्पून चीनी ली है, बिग स्पून, और इसमें थोड़ा सा वाटर डालना है, ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, जिस फिर चाशनी जल्दी से बनेगी नहीं। और इसको इसी तरीके से पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे बस 2 मिनट तक। 2 मिनट में बनकर चाशनी रेडी हो जाती है। ये जो हमारे पीनट हैं और जो मखाने हैं, इसको इसमें ऐड कर देना है, डाल देना है। आप इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बिना रोस्ट किए हुए इनको डाला है। अब यहाँ पे मैंने गरी का पाउडर है, इसको भी डाल दिया, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। इलायची पाउडर डाल दिया है टेस्ट के लिए, और बस गैस तुरंत ऑफ कर देनी है। इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे, इसमें जो चीनी है अच्छे से कोट हो जाएगी। ये देखिए 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। भगवान जी के लिए प्रसाद या देवी माँ के लिए प्रसाद, नवरात्रे चल रहे हैं तो आप भी झटपट बनाइए और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाइए। तो ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। या आप कभी इस मन है खाने का तो आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।